بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم سامعين. इस वीडियो में हम देखेंगे कि ज़ारा नाम का मतलब और इसकी मज़ीद तफ़सीलात क्या हैं। इस लफ्ज़ की इब्तदाई तारीख अरबी ज़ुबान से निकलती है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस नाम का इस्तेमाल ज़्यादातर किन ममालिक में किया जाता है तो इस वीडियो को एंड तक देखें। मज़हब है इस्लाम, यानी ये नाम मुसलमानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिन्स है लड़की, यानी ये नाम लड़कियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उर्दू में ये नाम चार हरूफ और एक लफ्ज़ पर मुश्तमिल है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस नाम के अफराद की हसूले ज़िंदगी क्या होती है तो इस वीडियो को एंड तक देखें। ज़ारा के मानी है आजजी इख्तियार करने वाली। हिंसों के हिसाब से इस नाम के अफराद के लिए मुआफिक समझे जाने वाले रंग हैं पीला, सफ़ेद और हल्का सबज। सोमवार और जुमेरात के दिन इस नाम के अफराद के लिए खुशकिस्मत समझे जाते हैं। जबकि सबज पत्थर को इस नाम के अफराद के लिए मुआफिक समझा जाता है। इंसों के हिसाब से इस नाम के अफराद के लिए खुशकिस्मत समझे जाने वाली दांत है कांसी। अगर अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें। इस नाम के अफराद के लिए खुशकिस्मत समझा जाने वाला नंबर है 6। ज़ारा की तफसील है ज़ारा अहमद, ज़ारा नवाज। इस नाम का इस्तेमाल ज़्यादातर जिन ममालक में होता है उसमें सरे फ़रिस्त है यूके, नंबर 2 पर है न्यूज़ीलैंड, नंबर 3 पर है ऑस्ट्रेलिया, जबकि पाकिस्तान 5वें नंबर पर है। इस नाम के लोगों के बारे में ख्याल किया जाता है कि ये खुद को तनहा महसूस करते हैं और चाहते हैं कि लोगों के साथ घुल मिल जाएं। इस उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप किसी नाम के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी हौसला अफजाई के लिए इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।